अखाड़े के बच्चे पहले, इसके पहले कुमारगढ़ महाराष्ट्र केसरी के लिए निवड़ गया है एक बच्चा छोटू, छोटू का हमारा रईस पहलवान का लड़का है, वो क्या है अंडर 17 के अंदर अभी खेलने जाएगा, जिले पार्ट लिया, अभी कुमारगढ़ महाराष्ट्र केसरी खेलने जाएगा, और अभी स्कूल के टूर्नामेंट था आज की तारीख में 9 तारीख की, तो उसके अंदर हमारे अंडर 18 के अंदर एक बच्चा आया कल के दिन 8 तारीख के दिन, और आज अंडर 17 में 2 बच्चे हैं, एक छोटू और एक बॉक्सर अपने ओपन कट में था। एक नाम है आप जो नाम बता रहे हैं उनका रियल नाम क्या है? अबू सगर बागवान और आकिब सैयद आकिब, सैयद आकिब ये जो स्टेट लेवल जिला लेवल ट्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कहाँ पर हुआ ये? ये 40 गांव किसका फाइट हुई थी, कैसा हुआ था? 2 फाइट थी, 40 गांव वाले बच्चों को अपने अपने जगह में हराया और एक एरन बोल के लड़के फाइनल अभी आगे तारीख आगे आएंगे भी बताएंगे। अभी 2 तारीख बाकी है एक स्कूल लेवल की और एक कुमारगढ़ महाराष्ट्र के, इसके अंदर अबू सगर दोनों में आया है, आगे आना चौड़ा और आखिर स्कूल के अंदर आया है अंडर 17। बल हाजी तालीम के पहलवान हमारे सब बच्चे लगने गए थे 40 गांव, अल्लाह का बहुत रहमो करम है कि हमारे बच्चे 7-8 में 2-3 का नंबर लगा, बाकी कोई फाइनल में आ रहे, कोई सेमीफाइनल में निकाले राहुल, और ये छोटू पहलवान है, ये रईस भाई रईस पहलवान का लड़का है, रईस भाई इकबाल पहलवान के छोटे भाई है, और अल्लाह का करम से इसका पहला नंबर आया, फाइनल खेलने अभी जाएंगे, बच्चे का भी खराड़ पुना कहीं भी नंबर लगता है, दूसरा लड़का बॉक्सर करके है वो भी अपने 51 किलो वजन में लड़ा, और छोटू पहलवान 109 किलो वजन में लड़े, ये इकबाल तालीम का पट्टा है सब, और ये फैजान लड़का है, और लड़के बहुत सारे हमारे पेंटर का लड़का है, और इनका कोच है हमारा अपने खासा पहलवान में इसको बड़ी लड़ाई में लड़ता है कुश्ती, इसके सब असर खलीफा हम लोग है, पप्पू पहलवान है, जबीन खलीफा है, मैं हूँ, और भी अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान है, अल्लाह करम बच्चों को अच्छा कहा है, और भी छोटे लड़के फैजान आ रहे हैं उन्होंने लड़का हमारे अमन है, और लड़के भी है, और कमाल ठेकेदार है हमारे ये अखाड़े के अंदर, सभी मिलके हम लोग इसको पहलवानी कराते हैं, और भी अखाड़े में बड़े पहलवान बाबा पहलवान है, दूसरे है नौशाद पहलवान है, जावेद पहलवान है, और भी अखाड़े में इसलाम पहलवान है, सबकी मदद से भाई बच्चों को मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी कामयाब हो रहे हैं, आप दुआ करो, भुसावल के नागरिक सबसे बोलना है हमारा, भुसावल के लोगों से सब बच्चों के लिए दुआ करो क्या बच्चे और आगे अच्छे बढ़े, और अपने अखाड़े में बच्चों को लाके छोड़े, मुसावल हो भैरगा हो कहीं के भी लड़के हो क्या भाई, ये इकबाल तालीम में अखाड़े में लाके छोड़ो, इकबाल तालीम के अखाड़े की दुआ करो कि अल्लाह करम से बच्चे और भी अच्छे निकले, आपका रहमो करम रहे कि बच्चे आगे स्टेट भी खेल के फर्स्ट नंबर लाए, स्टेट भी छोटा पहलवान का 2 जगहों नंबर लगा, एक बाहर अधिवेशन महाराष्ट्र केसरी के लिए अलग नंबर लगा, और ये स्कूल की तरफ से ये बच्चों का अलग नंबर लगा, इसके अंदर हमारे फैजान भी है, फैजान है दूसरे लड़के और बहुत सारे हैं, ये बच्चे पहले फाइनल खेल के आए थे वहाँ सेकंड नंबर लगा था उनका, अभी अल्लाह से दुआ करो, पब्लिक से गुजारी से भुसावल के इनके लिए दुआ करो कि अभी ये टाइम फर्स्ट नंबर लाए। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मेरे दो अल्फाज खत्म कर सद्दाम भाई, अस्सलाम वालेकुम, ये हाजी इकबाल पहलवान वाईएम टाड़ा की तरफ से जो भी खलीफा उस्ताद हमारे जितने भी है नौशाद होगा, ये शादाब होगा, ये जो बड़े घट्टे बच्चे हैं ये छोटे बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से लेते हैं, हमारे बाबा पहलवान थोड़ा बच्चों को चिल्ला पुकार करके पहलवानी लेते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं आज 6-7 बच्चे हैं जो जिले में गए जिले को खेलने, वो सेमीफाइनल को फाइनल में चला गया, सब बच्चों की बहुत मेहनत है, और इंशाल्लाह सब बच्चों से आस है कि अल्लाह एक ना एक बच्चा महाराष्ट्र केसरी को लगाएगा, हमारे पूरे अखाड़े की तमन्ना है, हमारे शहर की तमन्ना है, मैं यही कहूँगा कि और गाँव में जो भी है जिनको पहलवानी का शौकीन हो अपने बच्चों को अखाड़े में लाए और पहलवानी करवाए, और इससे बेहतर और कोई काम नहीं। अभी अपने यहाँ पर अखाड़े में कितने बच्चे जो है मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश? अखाड़े के अंदर बच्चे जो है तो 40 से 50 बच्चे पहलवानी करते हैं, जो बच्चे तालुका निकालते हैं 15-20 बच्चे, कुछ 5-7 बच्चे जिले में लग जाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, जिला जाके स्टेट को चले जाते हैं, डिवीज़न खेलते हैं, जबकि ये 20 साल तक के गैप था जब वो हमारे
नौशाद करता था, बाबा पहलवान परेड में करते थे, ये झीला ये देखने जाते थे वो टाइम पे। अभी इनकी पहलवानी के बाद में बच्चों भी मैंने तैयार करे है और आज बच्चे झीला स्टेट लेवल खेलने जा रहे हैं, डिवीजन खेलने जा रहे हैं। अल्लाह का एहसानो करम है और ऐसी इनकी तरफ मेहनत है और ऐसी ही आगे पहलवानी बढ़ते रहेगी। तब आपके अखाड़े से जो है बच्चे कौन से लेवल तक खेलने गए? बच्चे डिवीजन महाराष्ट्र केसरी का डिवीजन होता है, स्टेट लेवल जो होता है वहाँ तक के बच्चे खेलने चले गए, कोल्हापुर तक के जाकर आ गए। उम्मीद क्या है? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि भारत केसरी तो पहलवान बन जाता है, लेकिन महाराष्ट्र केसरी बनने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। तो भारत केसरी से ज़्यादा जोर महाराष्ट्र केसरी का है, तो हमारी उम्मीद तो यही है कि महाराष्ट्र केसरी बनाए बच्चे।